हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वाचिंग यूपीएससी लाइव। सो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर फार्मा क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर हमारी जो गवर्नमेंट है ऐसा वो कौन से बिल लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से फार्मा इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर जो ये मिनिस्टर ऑफ फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की थी, उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया, जिनका नाम हरसिमरत कौर बादल है, जो कि श्रोमणी अकाली दल से आ रही थी और ये एनडीए का पार्ट थी। सो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट का जो भी मानसून सेशन चल रहा है, तो उस मानसून सेशन में ये तीन बिल लाए हैं, तीन बिल को इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज 2 जून 2020 में तीन ऑर्डिनेंस आए थे। ये ऑर्डिनेंस तब आते हैं जब पार्लियामेंट वर्क में नहीं हो। ये ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए होते हैं। इन ऑर्डिनेंस को कंटिन्यू करने के लिए मानसून सेशन में इनको इंट्रोड्यूस किया और उनको पास करें, जिसमें से एक पास हो गया। इसी वजह से फार्मर इनका अपोज कर रहे हैं। जानेंगे इस लेक्चर में। आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये कंट्रोवर्सी है। फार्मर जो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर हैं, वो हैजमी प्रोटेक्ट में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द वो ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस जो सेंटर लेके आई है, ये सेंटर ऑर्डिनेंस लेंगे। ये ऑर्डिनेंस मानसून सेशन के पार्लियामेंट के मानसून सेशन है जो इस वीक चल रहा है, इस वीक से स्टार्ट हो गया, उसमें लागे और ये तीन बिल इंट्रोड्यूस किए गए जो रिप्लेस करेंगे दीज ऑर्डिनेंस। मतलब ऑर्डिनेंस मतलब एक है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसको रिप्लेस करेंगे, उसमें अमेंडमेंट करेंगे। लोकसभा पास ऑफ दीज लोकसभा इसमें से एक तो पास कर दिए इस ट्यूजडे को, एंड द अदर टू आर लिस्टेड फॉर कंसिडरेशन पासिंग ड्यूरिंग द करंट सेशन। जो कि करंट सेशन में एक तो इसमें पास हो गया, बाकी के दो और पास किए जाएंगे। अपोजिशन पार्टीज हैं और फार्मर्स ग्रुप लाइक भारतीय किसान यूनियन, वो इस चीज़ उस वो गवर्नमेंट के इस मूव को उसको अपोज कर रहे, बिकॉज बोल रहे इट टू इनेक्ट अमेंडमेंट द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको ये अमेंड करेंगे गवर्नमेंट। द न्यू लॉ है वो उसको बाईपास द स्टेट एपीएमसी एक्ट, जो एपीएमसी एक्ट है उसको वो बाईपास करेगी, एंड टू फैसिलिट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जो अगर वे बिल आ जाता है तो ये स्टेट का जो एपीएमसी एक्ट है उसको बाईपास करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जोर लाएंगे, ऐसा ये अपोजिशन का मानना है। इसी वजह से थर्सडे को, जो इसी गुरुवार को, एसएडी मतलब श्रोमणी अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल उन्होंने कहा है कि लोकसभा बोला था कि हरसिमरत कौर बादल है जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो कि उनकी पार्टी से बिलोंग करती है। करिए अगर गवर्नमेंट अगर इस बिल को इंट्रोड्यूस करेगी, अगर इसको पास करेगी, तो वो रिजाइन कर देंगे, जो कि उन्होंने कल रात को रिजाइन कर दिया है। ये बिल हैं द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, देन द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये दो ऑर्डिनेंस है जिनको गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लाई है। इसकी वजह से इट इज एडिशन टू द टू ऑर्डिनेंस दैट अमेंड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसको ये ऑर्डिनेंस में अमेंड करेंगे। इसकी वजह से रिड्यूस द पावर एपीएमसी। इसकी वजह से इन ऑर्डिनेंस की वजह से एपीएमसी की जो पावर वो रिड्यूस हो जाएंगी, विद द एम ऑफ सेटिंग अप ए नेशनल मार्केट फॉर फूड। मतलब बाकी इस एपीएमसी के अंदर जो मार्केट आता है, इसके बाहर भी एक मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। सेटिंग अप ए नेशनल मार्केट, एक नेशनल मार्केट एपीएमसी के बाहर या उसके दायरे से बाहर क्रिएट हो जाएगा। ये इसका एम है। एपीएमसी इतना चल रहा है, तो आखिर एपीएमसी होता है एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बोलते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में मंडी जो हर सिटीज़ में होती है उसको मंडी, एक तरह की मंडी बोलते हैं, बस एक ये रेगुलेटेड मंडी होती है। मार्केटिंग बोर्ड एस्टेब्लिश बाई ए स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को रेगुलेट करती है। इसका मेन फंक्शन टू इंश्योर फार्मर्स मतलब फार्मेसी सेफ गार्ड के लिए फ्रॉम द एक्सप्लोइटेशन बाय लार्ज रिटेलर्स, जो लार्ज रिटेलर्स या ट्रेडर्स होते हैं, ताकि वो फार्मर्स का एक्सप्लोइटेशन ना कर पाए या फार्मर्स की मतलब उनका शोषण ना करें। इस वजह से ये एपीएमसी एस्टेब्लिश की गई हैं। एज वेल एज इंश्योरिंग अ फार्म टू रिटेल प्राइस से प्राइस स्प्रेड डज नॉट रीच इन द एक्सेप्शनली हाई ऑन लेवल। इस एपीएमसी की वजह से ही फार्मर्स को उनका फेयर प्राइस मिलेगा और इसमें एमएसपी भी उनको मिलेगी। अगर बाई चांस अगर एग्रीकल्चर में किसी कारणवश ड्रॉट आ जाता है या रेन हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, अगर फार्मर की फसल पर असर पड़ता है या उस साल होता है, तो फार्मर्स को एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिलेगा इस एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग। इसी वजह से फार्मर्स और बाकी अदर अपोजिशन ये इसको
अपोज कर रहे हैं, बिकॉज अगर एपीएमसी को बाईपास कर दिया जाता है तो इसमें एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो मिलना मुश्किल होगा। सो इसी वजह से इसमें लिखा है कि एंड टू एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म करना। सो इसमें जो ऑर्डिनेंस है, दो फार्मा प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेज ऑर्डिनेंस, तो इसका एम है कि ओपनिंग अप एग्रीकल्चर सेल एंड मार्केटिंग आउटसाइड द नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब एपीएमसी के बाहर मार्केट क्रिएट करना, जो कि मंडी से उनको बोल सो मंडी फॉर फार्मर्स, रिमूव द बैरियर। सो इस अगर एपीएमसी को अगर बाईपास किया जाएगा तो इससे जो इतने भी बैरियर लगे हुए थे वो सब रिमूव हो जाएंगे। और जो फिर इससे इंटरस्टेट ट्रेडर्स और इंटरस्टेट जो ट्रेड है वो इनकी, जो ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, और गवर्नमेंट ऐसा बोलते हैं कि इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो इससे जो एक फ्रेमवर्क क्रिएट होगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टार्ट होगा। लेकिन ये तो कोई नई चीज़ है, बिकॉज इससे पहले भी ई नेम इलेक्ट्रॉनिक नेम है वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो भी उसका भी सेम यही काम है। इसमें लिखा कि इट प्रोहिबिट स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग मार्केट, बिकॉज ये प्रोहिबिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को मार्केट फीस नहीं है, बिकॉज अगर एपीएमसी नहीं होगी तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी से मार्केट फीस नहीं है, बिकॉज जब एपीएमसी होती है, जब मार्केट मंडीज होती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है कि बाकी वो सब ट्रेडर से वो मार्केट फीस ले सके, सेस ले सके, लेबाई कर सके, सेस ले सके, बाकी फीस उनको लगा सके, ताकि वो फार्मर्स को उनकी फेयर प्राइस प्रोवाइड करा सके। अगर एपीएमसी ही नहीं होगा तो फिर वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की मोनोपोली, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं चलेगा, और बाकी सब जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी काम होगा वो एपीएमसी मंडी के बाहर स्टार्ट होगा। ये बिल का कहना था। देन क्रिटिक्स बोलते हैं कि इट डिसमेंटिंग द मोनोपोली ऑफ एपीएमसी एज ए साइन ऑफ एंडिंग द एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट फॉर फूड ग्रेन। अगर क्रिटिक्स बोलते हैं कि अगर एपीएमसी अगर डिसमेंटिंग हो जाती है, अगर एपीएमसी की मोनोपोली खत्म हो जाती है, जो फूड ग्रेन जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन मतलब फूड ग्रेन की जो खरीदा रहती है, जो अगर जो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को दे रखी थी, अगर तुम्हारा कोई अनाज नहीं खरीदेगा तो हम गवर्नमेंट खरीदेंगे, तो वो एक एश्योरेंस है, वो खत्म हो जाएगी अगर एपीएमसी को बाईपास कर जाएगा। इस वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट दे रखी थी, अगर बोलते हैं कि अगर किसी कारणवश वहाँ पर एग्रीकल्चर ठीक से नहीं हुआ तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी या एश्योरेंस होगा प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, ये सब खत्म हो जाएगा। इस वजह से ये फार्मर्स के अगेंस्ट में था। फिर इसमें एक और पॉइंट था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ज़्यादा जोर दिया था, बिकॉज एक जिसमें लॉ है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। इसकी वजह से इसका मीन्स ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क ऑन ट्रेड एग्रीमेंट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें एक म्यूचुअली एग्री रिमुनेटिव प्राइस फ्रेमवर्क है, इट्स इन विजुअलाइजेशन टू टॉटेड एज ए वन ऑफ द वुड प्रोटेक्ट एंड एम्पावर फार्मर्स। इसमें फार्मर्स को और ज़्यादा एम्पावर किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके ट्रेडर के साथ डायरेक्टली, इसमें ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली होगी। इस वजह से ये बता। बट इसमें एक चीज़ है कि इसमें प्राइस एश्योरेंस बिल है, इसमें बोला है कि प्रोटेक्शन टू फार्मर अगेंस्ट प्राइस एक्सप्लोइटेशन। तो मतलब ये है कि इसमें कोई प्राइस फिक्स भी कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसमें प्राइस फिक्सेशन हो। अगर फार्मर किसी थर्ड पर्सन से या किसी रिटेलर से या किसी प्राइवेट प्लेयर से अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो उस फार्मर को इतना नॉलेज नहीं रहती है, इतना आइडिया नहीं रहता है वो कैसे पेपर वर्क कर सके। अगर वो किसी लीगल टर्म में फंसेगा तो वो जो प्राइवेट प्लेयर वो फार्मर्स का एक्सप्लोइटेशन कर सकता है या उसको कम कीमत पर या कम प्राइस में उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला सकता है। इसी वजह से प्राइस में कोई मैकेनिज्म नहीं है, डू नॉट प्रेस्क्राइब मैकेनिज्म फॉर प्राइस फिक्सेशन। इसमें कोई प्राइस फिक्सेशन के लिए एक कुछ भी मैकेनिज्म नहीं है। देर इज अप्रिशन डेट द फ्री हैंड गिवन टू द प्राइवेट कॉरपोरेट। इसी वजह से प्राइवेट कॉरपोरेट को एक फ्री हैंड लेवल या फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है कॉर्पोरेट हाउस के लिए। कुड लीड टू फार्मर एक्सप्लोइटेशन। इसकी वजह से फार्मर एक्सप्लोइटेशन ज़्यादा और इंक्रीज हो जाता है और इसमें फार्मर्स की जो सुसाइड होती है, सुसाइड ऑफ फार्मर्स, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी सही नहीं है। बिकॉज इसका एक एग्जाम्पल है पेप्सिको वाला केस जो था, जिसने पोटैटो फार्मर पर केस कर दिया, तो बाद में जाके पेप्सिको ने वो सारे केसेस विदड्रॉ कर लिए थे। ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, जिससे फार्मर्स का एक्सप्लोइटेशन ना हो।
बट ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है ये कोई नया सिस्टम तो नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट टू कंट्रीज, इससे पहले भी है, बिकॉज ये सब चीज़ें इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट चल रही थी। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बिना किसी पेन पेपर के ही ओरली प्राइवेट प्लेयर फार्मर से बोल देता कि आप इसने इतने लैंड का आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता तो आप इतने पैसे में ये करो। सो ये हो गए ओरली, मतलब इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गए फॉर फूड गेन। देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इन शुगर केन एंड पोल्ट्री सेक्टर, मतलब इनफॉर्मल तो हो गए फूड गेन वाले में, और फॉर्मल वाले जो पेन पेपर जो उसमें लीगल टर्म जिसमें लीगली हुए उनको फॉर्मल बोलते हैं। सो ये चीज़ आप याद रखना। सो फॉर फूड गेन के लिए तो इनफॉर्मल, एंड देन शुगर केन और पोल्ट्री सेक्टर के फॉर्मली। सो क्रिटिक्स बोलते हैं कि क्रिटिक आर अप्रेंसिव अबाउट द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग ऑब्लिगेशन ओइंग टू द अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ द फार्म सेक्टर एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर ए लीगल बैटल विद द प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटीज। सो इसकी वजह से इसमें बोला गया है कि इसमें जो प्राइवेट जो मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसमें और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, बिकॉज फार्मर्स को इतना नहीं पता कि लीगल टर्म्स के बारे में, और जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो पूरा उनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं। सो इस वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। सो इस वजह से यहाँ पर इसका विरोध या अपोज किया जा रहा है। देन इसमें है कि डीरेगुलेशन ऑफ फूड आइटम, मतलब इसमें जो एक्ट था एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है उसको अमेंड किया जा रहा है। सो इसमें सेरेल्स पल्सेस ऑयल सीड एडिबल्स ऑयल ओनियन एंड पोटैटोज जो इनकी जो फसल थी उनको एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। सो अगर कोई फार्मर इनकी जो फसलें या इसकी जो एग्रीकल्चर करेगा तो उसको इस लिस्ट बाहर लेगा तो इसमें गवर्नमेंट इसकी कोई भी रेगुलेशन नहीं होगा। सो प्राइवेट प्ले इसका प्रोडक्शन या स्टोरेज या मूवमेंट डिस्टर्ब इसको कंट्रोल कर सकता है और इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। सो अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करेगी तो प्राइवेट प्लेयर इसका ज़्यादा से ज़्यादा या तो मना कर देगा स्टोरेज के लिए, या स्टोरेज इतना करेगा कि मार्केट में इसकी सप्लाई बंद होगी, और सप्लाई बंद होगी तो फिर इसकी इन्फ्लेशन या उस पर्टिकुलर पल्स या फिर पर्टिकुलर सब्जी के लिए लाइक पल्सेस हो गया अगर उसकी मार्केट में कमी होगी तो इससे उस इन्फ्लेशन आने लगेगी। सो इस चीज़ से प्राइवेट प्लेयर के हाथ में पावर ज़्यादा आ जाती है इसको डीरेगुलेट करके। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अलाउड टू रेगुलेशन, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही लाइक वॉर सिचुएशन होगी, फैमाइन होगी, एस्ट्रॉर्डनरी प्राइस राइज, सो इसमें वो इस चीज़ को या वो इन फसलों को इसमें ला सकती है। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सो बट ये ऐसी सिचुएशन ये ऐसी सिचुएशन कोई नॉर्मल तो नहीं है, ये कभी कभार ही आएगी। सो इस वजह से इसमें फार्मर की ही ज़्यादा लॉस, फार्मर का ही लॉस इसमें ज़्यादा है अगर डीरेगुलेट करने से। ये सब स्टेप लेने से पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो COVID-19 सिचुएशन में ही एक पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है। बिकॉज जो आप इस पिक्चर को देखिए, जो ये है ये एट कोर सेक्टर जो हमारे इंडिया के एट कोर सेक्टर हैं, सो इनकी जो ग्रोथ रेट है जो COVID-19 जो ये मई के मंथ की है, सो इनमें सब इसमें चीज़ में देखिए एक कोर सेक्टर 8 में से 7 सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में, मतलब नेगेटिव है, बट एक ही फर्टिलाइजर है उसकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में 7.5। सो इससे और ये भी फर्टिलाइजर इस वजह से बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से। सो इस चीज़ को गवर्नमेंट को माइंड में रखना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ही हमारी जो 8 कोर सेक्टर में से एक जो अकेला जो कोर सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ही है। सो ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन एंड दिस एग्रीकल्चर सेक्टर फेस लीड्स डिस्ट्रप्शन एंड सी पॉजिटिव ग्रोथ इन कंपेयर अदर सेक्टर। सो इसी वजह से कम इसमें इस एग्रीकल्चर की वजह से ही इसमें लीड्स डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है COVID-19 सिचुएशन की वजह से ही। बिकॉज अभी जो टाइम चल रहा है वो हार्वेस्ट ऑफ पल्सेस ऑल सीड का हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा है और वीट का भी चल रहा है। देन सोइंग और समर क्रॉप से रिपोर्ट 38% हायर सोन इन एरिया, सो 38% हायर इसमें मिला है देखने को। देन वाटर स्टोरेज पोजीशन इज बेटर देन लास्ट ईयर के कंपेरिजन, वाटर स्टोरेज पोजीशन है वो लास्ट ईयर कंपेरिजन काफ़ी अच्छी है। सो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फर्टिलाइजर कोर सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिली पॉजिटिव, सो और बाकी अदर सेक्टर में नेगेटिव देखने को मिली। सो गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा।
देन इसके अलावा शेयर ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये 2011-12 का डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग जो सर्विस सेक्टर है अपने इंडिया का, सर्विस सेक्टर जीडीपी में जो इसका शेयर है मोर देन 50% है, बट वर्कफोर्स है बट जो वर्कफोर्स है सर्विस सेक्टर वो मोर देन 25% है। जो देखते हैं कितना कम, मतलब 100 में 25% इसमें वर्कफोर्स है बट इसका जीडीपी में शेयर मोर देन 50% है, ये देखने को मिला। बट इसी अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो इसमें जीडीपी का शेयर तो काफ़ी कम है, मोर देन 15% है, बट इसमें जो वर्कफोर्स है, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब एम्प्लॉयमेंट में जो लोग जो काम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 50% है। सो इस चीज़ को याद रखना कि इतना सर्विस सेक्टर में लोग काम नहीं करते जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो इस चीज़ पर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में शेयर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो, उसको 20-30% लाया जाए। सो ये 2011 के बारे का डेटा है और ये इसमें इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अकॉर्डिंग जो इसमें रिलीज हुआ था उसमें बोला है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है जो है वो मोर देन 50% है। सो टोटल वर्कफोर्स, मतलब 2011-12 के अकॉर्डिंग 2017-18 में जो डेटा था उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो मोर देन 50% है। सो इस चीज़ को गवर्नमेंट को माइंड में रखना पड़ेगा और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा काम करना है ताकि जो वर्कफोर्स है थोड़ा कम हो और प्लस जो एग्रीकल्चर का जीडीपी जो शेयर वो थोड़ा और इंक्रीज करे, 20-30% लाया जाए जितना सर्विस सेक्टर में। सो सर्विस सेक्टर में जीडीपी से ज़्यादा है बट उसमें वर्कफोर्स थोड़ा कम है। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना पड़े, सो मोर देन 50% वर्कफोर्स आ रही है। एंड जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से डेली वर्कर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। सो इसी वजह से एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। और जब से ये रिवर्स माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन के पास जो रिवर्स माइग्रेशन, और मतलब रिवर माइग्रेशन का मतलब इस पिक में आप देख सकते हो कि रिवर्स माइग्रेशन मतलब पहले विलेज से सिटी की तरफ जाते तो उसको माइग्रेशन बोलते थे बट अब रिवर माइग्रेशन सिटी से विलेज की तरफ लोग आ रहे हैं सो उसको रिवर्स माइग्रेशन बोलता है, मतलब माइग्रेशन को उल्टा कर देंगे तो रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगा। सो ये चीज़ माइंड में रखनी। सो इस रिवर्स माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन के पास सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही बचता है अपना सर्वाइव करने के लिए। सो बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव सो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो काफ़ी सेंसिटिव बन जाता मीन्स सेंसिटिव से मतलब अगर इसमें कुछ भी रेन ज़्यादा होती है या कम होती है या ड्रॉट आ जाता है सो ये फैक्टर ना काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो एंड द लार्ज पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में जो लार्ज पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है सो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है और डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है अपनी जो पॉपुलेशन पर। सो इसी वजह से प्रोटेस्ट और मार्चेज आर कॉमन फॉर रेज देयर वॉइसेज। सो इसी वजह से जो प्रोटेस्ट जो चलते हैं या मार्चेज जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं बिकॉज ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं पॉपुलेशन पर। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें क्या करना पड़े, तो इस पूरी चीज़ को टैकल करने के लिए सो वी नीड टू रिवैम्प द होल सेक्टर, जो पूरा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर उसको पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा फ्रॉम बॉटम, मतलब नीचे से बॉटम से लेके पूरा रिवैम्प करना। सो इसमें हमें क्या क्या जरूरत है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा, देन इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज इसमें अपनी इंडिया के जीडीपी का सिर्फ 0.3 से लेकर 0.5% ही एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कम है। देन इसमें जो स्किल वर्कफोर्स लाना पड़ेगा ताकि मॉडर्नाइजेशन जो होगा टेक्नोलॉजी इसमें लाई जाएंगी तो स्किल वर्कफोर्स ही उसको प्रोसेस कर सके। देन इसमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है बिकॉज अगर किसी सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जहाँ कमी होती है तो वो सेक्टर अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। सो इसी वजह से वो पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से वो सेक्टर थोड़ा पीछे रह जाता है। देन इसके बाद नीड अ फेयर पॉलिसी फॉर आर फार्मर्स ब्रदर। सो फार्मर्स जो ब्रदर्स हैं उनके लिए फेयर पॉलिसी लानी पड़ेगी ताकि वो उनकी एक फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी हो। सो इसी वजह से इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा बिकॉज हमें विलेज पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसलिए फोकस करना पड़ेगा बिकॉज महात्मा गांधी ने बोला था कि द सोल ऑफ इंडिया इज लिव्स इन द विलेज। उन्होंने ये बोला कि सोल जो इंडिया की जो सोल है जो आत्मा है वो गांव में बसती है, वो विलेज में बसती है। सो अगर इंडिया की ग्रोथ चाहिए होगी तो इफ़ वी ट्रीट विलेजेस वेल देन इट गुड्स
फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया टू रेज द फार्म इनकम, और इसके अलावा जो फार्मर्स की हमें डबल करनी है उसके लिए भी चीज काफी जरूरत है। सो इस चीज को महात्मा गांधी के कोट को भी याद रखना पड़ेगा, और जो फार्मर्स की जो इनकम हमें डबल करनी है वो चीज माइंड में रखनी पड़ेगी। ये सब चीज अगर हम ठीक से करेंगे तो ये हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा, हमारे फार्मर्स ब्रदर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, और बाकी और डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। सो इस चीज़ को आपको गवर्नमेंट को चीज़ें रखनी याद रखनी पड़ेंगी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।